आपको इसका मैक्सिमम प्रेशर दिखाऊं कि ये कितना तक जा सकता है, तो ये 4.5 बार तक इसका ऑपरेटिंग कैपेसिटी है। ये देखिए मैक्सिमम जो है 4.5 बार, 0.9 बार पे ये ऑपरेट कर रहा है। अगर मैं अभी नल बंद करूँ, मैं अभी मोटर नहीं बंद कर रहा हूँ, मैं नल बंद कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं नल बंद कर दिया हूँ, ये देखिए 1 बार प्रेशर इस साइड भी बन गया है। एंड मेरा ऑपरेटिंग, मैं ये बोल रखा हूँ मोटर को कि भाई तुम प्रेशर बनाए रखना 1 बार का कंटिन्यूसली, ठीक है। ये देखिए 1 बार का प्रेशर ये बना करके स्टेबल हो गया। हे गाइस, वेलकम बैक। आज हमारे पास फिर से एक सुपर साइलेंट ऑटोमेटिक वाटर प्रेशर पंप है। तो अभी मैं इसे जल्दी जल्दी अनबॉक्सिंग करता हूं और आपको दिखाता हूं कि इसमें क्या सब आया है। और ये सब थर्मोकोल बाहर निकालते हैं। और हमारे पास ये रहा मेन यूनिट, और आई थिंक इधर कुछ नहीं है, वो जो है इस बॉक्स के अंदर। तो ये रहा हमारा मेन यूनिट, मैं इसे बाहर निकालता हूँ। ओके, तो सबसे पहले एक मैनुअल है, ठीक है, इसे देखेंगे बाद में। अभी पहले प्रेशर पंप को बाहर निकालता हूँ। इसके अंदर तो काफ़ी अच्छे तरीके से पैकेजिंग किया हुआ है। तो ये रहा हमारा वो वाटर प्रेशर पंप। आपको मैं दिखाऊं थोड़ा इसका डिटेल, तो आप यहाँ पे देखिएगा, ये पावर कंज्यूम करेगा 400 वाट पावर कंज्यूम करेगा। उसके बाद फिर देखिए इसका जो ये मैक्सिमम हेड, मतलब मैक्सिमम ये पानी को पुश करेगा, वो 35 मीटर। 35 मीटर मतलब आप समझ सकते हैं 10 से 11 फ्लोर तक ये पुश करेगा पानी। उसके बाद आप देखिए मैक्सिमम सक्शन जो पावर है इसका, वो 8 मीटर है। 8 मीटर मतलब आप समझ सकते हैं 2 फ्लोर 2.5 फ्लोर, हाँ एग्जैक्ट। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो मोटर का मैक्सिमम आरपीएम है जो 6500 है, एंड टेम्परेचर ये 0 डिग्री से लेकर के 80 डिग्री सेल्सियस तक ये टॉलरेट कर सकता है ये प्रेशर पंप। और आप यहाँ पे देखेंगे ये एक डिजिटल डिस्प्ले दिया हुआ है, साथ साथ यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, एंड हमारे पास यहाँ पे प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए 2 बटन और दिया हुआ है। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए ये इनलेट और आउटलेट दे रखे हैं, और हमारे पास एक कनेक्टर आया हुआ है, साथ में इसमें फ़िल्टर भी लगा हुआ है, ये देखिए। उसके बाद फिर ये रहा इसका वायर, ये रहा इसका वायर। तो अभी मैं आपको इसको दिखाऊंगा, इसे कनेक्ट करके और इसे चला करके डिटेल में। देखिए अभी हमारा ये जो प्रेशर पंप है ये रेडी हो गया, इसका सारा सेटअप आपको मैं दिखाऊं। ये रहा इनलेट, ये इनलेट का पाइप डायरेक्ट टंकी से आ रहा है। उसके बाद फिर हमारा ये रहा आउटलेट, आउटलेट में एक नल लगा दिया हूँ, और ये अभी खुला हुआ नल है। उसके बाद फिर इधर से मैं पावर सप्लाई इसे दूंगा, ये भी रेडी है। और आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे हमारे पास एक डिस्प्ले मिलता है, डिस्प्ले से देखिए इसमें क्या है ना, इस फीचर का ये जो मॉडल है Z3, और देखिए हमारे पास पिछले वाला भी मॉडल लगा हुआ है, उससे भी मैं काम कर रहा हूँ। थोड़ा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वो भी अभी काम दे रहा है। अभी मैं उसका जो इनलेट है उसको खोल करके इसमें लगाया हूँ आपको दिखाने के लिए, वहाँ पर वो लगा हुआ रहता था, तो वो है Z2। उसमें जो प्रेशर कंट्रोल करने का जो सिस्टम था उसमें आपको स्क्रू ड्राइवर लेकर के अंदर सेंसर में जा कर के आपको टाइट या लूज़ करना होता था, तब जा कर के आप उसका प्रेशर कंट्रोल कर पाते थे। लेकिन यहाँ पे जो देखिए आप, यहाँ पे डायरेक्ट आपको स्विच मिल जा रहा है प्रेशर कम करने का, प्रेशर ज़्यादा करने का, एंड ऑन ऑफ करने का। साथ साथ आपको यहाँ पर डिस्प्ले भी दिख जाएगा जहाँ पर आप देख पाएंगे कि अभी कितना प्रेशर पर यह ऑपरेट कर रहा है और मैक्सिमम कितना प्रेशर अपसेट किए हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसे ऑन करके, ये इधर जो है ऑपरेटिंग प्रेशर दिखा रहा है और इधर जो है ये कितना प्रेशर पे अभी सेट है। तो आप अभी देख सकते हैं ये इसका 1 बार प्रेशर दिखा रहा है, तो मतलब ये अभी ये तो पहली बार ये ऑटोमेटिक मोड में है और यहाँ पर 1 बार का प्रेशर मैं सेट कर रखा हूँ। अगर मुझे प्रेशर इंक्रीज़ करना है तो इसके ठीक बगल में एक देखिए प्लस का बटन है, ये अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो देखिए वहाँ पर प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। अभी जो है ये मोटर बंद है, चल नहीं रहा है, इसे मैं बंद कर रखा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे पावर ऑन करूँगा तो फिर ये मोटर स्टार्ट हो जाएगा और ये 1.5 बार प्रेशर पे वर्क करना शुरू कर देगा। फिर आप बगल में डिस्प्ले देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो पाइप है इसका आउटलेट, इस आउटलेट में कितना प्रेशर बना हुआ है, ठीक है। अभी नल खुला हुआ, अभी कोई प्रेशर नहीं है, इसलिए
जीरो दिखा रहा है ऑपरेटिंग प्रेशर। जैसे ये प्रेशर इंक्रीज होगा उस पाइप में, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कहने का मतलब ये बोला मोटर मैं स्टार्ट करूँगा, नल को सिर्फ मैं बंद करूँगा, मोटर चलता रहेगा, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कितना प्रेशर पे नल बंद कर रखा है, तो उस पाइप में आउटलेट में मतलब उस आउटलेट पाइप में कितना प्रेशर बना हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं आपको इसका मैक्सिमम प्रेशर दिखाऊँ कि ये कितना तक जा सकता है, तो ये 4.5 बार तक इसका ऑपरेटिंग कैपेसिटी है। ये देखिए मैक्सिमम जो है 4.5 बार। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद फिर अभी मैं आपको मिनिमम प्रेशर पे ही आपको दिखाता हूँ, 1 बार पे। ये 1 बार पे मैं सेट कर दिया हूँ, ये ऑटोमेटिक मोड में हो गया है। उसके बाद फिर अभी मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा ये स्टार्ट, तो ये हमारा प्रेशर पंप स्टार्ट हो जाएगा। साथ साथ आप ये भी वहाँ पे देख पाएंगे उस बोर्ड में यहाँ पे कि ये कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, ये जो है कितना पावर कंज्यूम कर रहा है वो दिखाएगा। अभी दिखा रहा है 2.3 वाट कंज्यूम कर रहा है, और अभी ये मोटर चल नहीं रहा है, ये बस इसका डिस्प्ले एंड और इसका सेंसर वो जो भी है वो ऑन होगा। तो अभी मैं इसे ऑन करता हूँ और दिखाता हूँ, ये अभी पानी फेंकना स्टार्ट करेगा 1 बार के प्रेशर पे। ठीक है, अभी मैं स्टार्ट कर दिया हूँ पंप। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 0.9 बार पे ये ऑपरेट कर रहा है। अगर मैं अभी नल बंद करूँ, मैं अभी मोटर नहीं बंद कर रहा हूँ, मैं नल बंद कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं नल बंद कर दिया हूँ। ये देखिए 1 बार प्रेशर इस साइड भी बन गया है, एंड मेरा ऑपरेटिंग, मैं ये बोल रखा हूँ मोटर को कि भाई तुम प्रेशर बनाए रखना 1 बार का कंटिन्यूसली। ठीक है, ये देखिए 1 बार का प्रेशर ये बना करके स्टेबल हो गया। और अभी मैं फिर से नल ऑन करूँगा, उसके बाद फिर मैं प्रेशर इंक्रीज़ करूँगा आपको ये दिखाने के लिए कि कितना प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे मैं यहाँ से सेटिंग से अगर प्रेशर इंक्रीज़ करता हूँ तो वो कितना इंक्रीज़ हो रहा है। तो सबसे पहले मैं नल को खोलता हूँ। ये देखिए अभी इतना प्रेशर पर ये पानी गिर रहा है। अभी मैं प्रेशर को है जो इंक्रीज़ कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। अब देखिए नल का प्रेशर देखिए बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। देखिए 3 बार पे मैं कर दिया हूँ, ये 3 बार पे देखिए ये हो रहा है, इतना पानी गिर रहा है। और अगर मैं नल बंद कर दूँ तो ये देखिए अभी जो है ये ऑपरेटिंग, ये फिर से ये मतलब ये जो पाइप है आउटलेट में 2.6 बार का प्रेशर बना हुआ है, और हमारा मोटर जो है वो बंद हो चुका है, इतना प्रेशर पे ये बंद हो चुका है, बट ये ऑटोमेटिक मोड में ऑन है। ठीक है, नल बंद करने से ही मोटर बंद हो गया, ये एक ऑटोमेटिक फीचर है इसका, एंड आप इजीली कंट्रोल कर पाएंगे यहाँ से प्रेशर। और देखिए अभी पावर कंज्यूम मिनिमम कर रहा है 2.3 वाट। तो अब जैसे ये प्रेशर पंप को जैसे कब स्टार्ट होगा, जैसे आप नल खोलेंगे वैसे हमारा मोटर भी स्टार्ट हो जाएगा, पानी फेंकना भी स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए वो खुद ब खुद मोटर स्टार्ट हो गया। अब देखिए मैं बंद कर दिया हूँ, वो बंद हो गया, 2.4 बार का प्रेशर बना लिया आउटलेट में, उसके बाद फिर मोटर बंद हो चुका है। बट इसका सेंसर एंड जो भी है इसके अंदर प्रेशर सेंसर वो सब कुछ काम कर रहा है। जैसे वो उसे डिटेक्ट होगा कि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ आउटलेट में, फिर से हमारा ये मोटर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। हे गाइस, तो बस इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में इस वीडियो में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये प्रेशर पंप खरीदना है तो आपको मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर खरीद सकते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।